थ्री। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है मैंने सोचा अपने व्यूअर्स से मिलते हैं, कोई वीडियो शीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं जी हम फर्रुखाबाद का रेलवे स्टेशन। जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यार आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट पंजाब, सॉरी जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यार आज हम आए हैं सुबह पंजाब के ज़िला शेखुपुरा के, एक छोटी तहसील है फर्रुखाबाद के, रेलवे स्टेशन पे। तो आज हम आपको उसका विजिट करवाते हैं। मेरे बैकग्राउंड पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जी फर्रुखाबाद का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन आती जाती हैं, ये वर्किंग में है, इसकी कंडीशन क्या है, कैसी है, क्या सीन है? बिल्कुल ओके है, मतलब ओके से मुराद ये है कि यहाँ ये वर्किंग कंडीशन में है। तो मेरा यहाँ से गुजर हुआ था, सोचा मैंने कहा चलो इसको भी कवर करके तो अपने व्यूज़ को दिखाया जाए, तो चलें विज़िट करते हैं जी। तो व्यूज़ ये देख सकते हैं आप, हम इन हो रहे हैं, ये इसकी एंट्रेंस फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस है। लोकेशन देख सकते हैं आप गाइस, टिकट घर बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल, नए जैसा। टाइम टेबल कहाँ से कहाँ तक, कौन सी ट्रेन है, कितनी ट्रेन्स हैं, चार गाड़ियाँ यहाँ पे, ठीक है, चार टाइम्स पे आती जाती हैं। बिल्कुल हमने जितने भी पहले ट्रेन में विज़िट किए हैं उनसे बेहतर है और अच्छी हालत में, साफ़ सुथरी हालत में है। तो आपको इसका हम जो है वो भी दिखाते हैं, ये कुछ पैसेंजर्स भी खड़े हैं क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन में, यहाँ पे पैसेंजर्स आते जाते रहते हैं जी। तो देख सकते हैं आप किराया नामा, किला शेखुपुरा, लाहौर, भाले की, सफदराबाद, मोमिन, सांगला हिल, दारुल एहसान, साई वसाइयाँ वाला, चक जुमरा, फैसलाबाद, गोजरा, ये इनकी सारी डिटेल है, किराया नामा है, इनके स्टेशन नेम भी लिखे हुए हैं। टोबा टैक्सिंग, शोरकोट, अब्दुल हकीम, खानेवाल, मुल्तान, गुर, चनियोट, चनाब नगर, लालियाँ, निश्तराबाद, शाहीन, सरगोदा। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से सारी ना ट्रेनें आती जाती हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। ये इसकी आउटसाइड है, मतलब टिकट लेने के बाद जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो यहाँ से एंटर होते हैं ट्रेन में। ये अरसलान भाई हैं जी, यहाँ के लोकल हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं, फिट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। गाय जी आप देख सकते हैं, मतलब इसकी खूबसूरती हम आपको पूरी विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पे ये देखें जी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ऐसे पिकनिक पॉइंट भी ये यूज़ होता है। और ज़ाहिर है आने जाने के लिए तो फिर इसने यूज़ होना ही है क्योंकि इसका मेन पर्पज़ ही वो है। ये जी इनका पार्सल गोदाम है, लैंप रूम है। पार्सल गोदाम से मुराद ये है क्योंकि यहाँ से कार्गो भी होती है, लोग अपना सामान वगैरह भिजवाते हैं दूर दराज जाने के लिए, तो यहाँ पर ये कार्गो वगैरह का जो सेटअप है वो रखते हैं संभाल के जी। तो व्यूज़ ये देखें, बहुत खूबसूरती से इसको सजाया गया है, साफ़ सुथरा माहौल है, गवर्नमेंट का अच्छा निज़ाम है, यहाँ पे वर्किंग में है ये। यहाँ से फैसलाबाद, बहावलपुर, कराची इस साइड पे गाड़ियाँ जाती हैं, साहिवाल, चक जुमरा, इन इलाकों में। और बहुत अच्छा निज़ाम है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैठने के लिए मतलब जो हैं टेबल, सॉरी माई मिस्टेक, टेबल कह रहा हूँ, अपना बेंच वगैरह, और बड़ा पत्थर के, लकड़ी के, बहुत प्यारा खूबसूरती से सजाए हुए हैं। सामने इनका टैग भी लगा हुआ है जी। तो गाइस ये देखें कैसा इलाका है। होप यू गाइस लाइक इट।
क्योंकि पहले मैंने जितने भी मेरे चैनल पे या हमारे चैनल पे आपने रेलवे स्टेशन विज़िट किए हैं वो सारे डेड स्टेशंस थे, जहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है, कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। लेकिन ये स्टेशन वो है जो कि 1986 में बनाया गया था, 1986 में, और तब से वर्किंग में है और बहुत अच्छी तरह इसको इसका ख्याल भी रखा जा रहा है, इसकी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी की जा रही हैं और बहुत अच्छा ये सेटअप है। ये देख सकते हैं ये स्टेशन का नेम है फरुखाबाद, ये एंड है, ठीक है गाइस। बाकी आप देख सकते हैं कि ये लाइंस, रेलवे लाइंस जा रही हैं, लोग यहाँ पे मतलब इंजॉय करते हैं, आके बैठे रहते हैं यहाँ पे, चलते फिरते जहाज़ भी हैं वो देख लें सामने, बहुत कुछ यहाँ पे जो है वो गाइस होता है। चलें आपको जो है थोड़ा सा आगे भी लेके जाते हैं। ये इसकी एक बिल्डिंग है जहाँ पे किसी ने टैग लगाया होगा कफन फी सबीलिल्लाह जी। तो गाइस हैव ए लुक, ये एक छोटी सी रैली है, यहाँ रेलिंग पे मैं जा रहा हूँ तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये भी कुछ स्टोर नुमा टाइप है जो लॉक है, अब क्यों लॉक है, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। अगर लॉक नहीं होता तो हम आपको ये दिखाते, पूरा कोशिश करते ताकि आपको नज़र आता। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये पीछे जो है ये मंडी है फैसलाबाद की, बाज़ार जो भी आप इसको कह लो, ये लोगों का बना हुआ है अपना, लोगों ने यहाँ पे कोई पार्क टाइप बनाया हुआ है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ ताश चल रही है, बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ये गाइस जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये भी रेलवे की ही जो है प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अबंडेंड है, इसके इसको किसी भी मकसद के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, ये अबंडेंड है, आप देख सकते हैं। आपको मैं अंदर जा के भी दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पे जो है लोकल लोगों का ज़्यादा रश है, लोकल लोग बैठते हैं अपना टाइम पास करते हैं, ठीक है गाइस हैव अ लुक। ये देखें जी अबंडेंड का टैग लगा हुआ है, और भी बहुत से टैग्स हैं, ये है रेलवे की ही, इसका ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा मेरे ख्याल में, ये रेलवे की यूज़ में नहीं है, दैट इज़ द मेन रीज़न कि इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और इसको क्यों अबंडन किया गया है, यहाँ तक मेरा ख्याल है ये जब पुराने दौर का स्टेशन है यहाँ से ऑपरेट होता था, आई थिंक सो, इसी वजह से इसका जो है कोई वो ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पे लोग रात को बैठते हैं नशई ये वो लेने देने, फ़कीर फकरा यहाँ पे बैठे हैं, लोग देखें ताश खेल रहे हैं, बुज़ुर्ग बाबे पुराने दौर के बंदे जिनको और कोई काम नहीं है वो फिर बेचारे अपना टाइम पास करते हैं। तो ये दीवार यहाँ से टूटी हुई है, आई डोंट नो कि क्यों तोड़ी है, हालांकि इतने बड़े बड़े ये छत भी गिरी हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पे लोकल जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोगों में से किस किस को क्रिकेट का शौक़ है काइंडली कमेंट्स में बताएं, हमें भी बहुत शौक़ है, कभी खेली थी काफ़ी। चलें हम आई थिंक वापस चलते हैं, आपको दूसरी साइड पर ले कर जाता हूँ जी। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं वो एक वॉच टावर है सामने, वॉच टावर जहाँ पे रेलवे के जो मुलाजिम हैं वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, एक बंदा पॉइंट होता है जी। तो व्यूअर्स हम वापस आ गए हैं अपने मेन पॉइंट पे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इनकी जो है रिहाइश गाह भी हैं, रेलवे के कॉलोनीज़ हैं, और हम वापस अरसलान भाई को ज्वाइन करेंगे। हाँ जी जी, तो व्यूअर्स ये क्रॉस करने के लिए इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, स्टेयर्स ब्रिज, बड़ी प्यारी साल ट्रैफिक है। ये फरुखाबाद का एरिया है जी, आप ये देख सकते हैं, बच्चे भाग रहे हैं बिकॉज जस्ट बिकॉज कि ये लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से काफ़ी आती जाती है छोटे छोटे स्टॉप्स पे, तो स्टेशन टू स्टेशन लॉन्ग रूट भी हैं, स्टेशन टू स्टेशन भी पैसेंजर होता है काफ़ी। अरसलान भाई आगे आगे भाग रहे हैं पता नहीं क्यों, ओए अरसलान हो भाई, ये
इसका एंड है ना? हाँ जी, या ये स्टार्टिंग पॉइंट है या ये एंड है। देखें जी, पिक्चराइजेशन हो रही है, फोटोशूट चल रहे हैं, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं जी। तो व्यूअर्स, हाँ जी जी, तो व्यूअर्स उम्मीद है आप सबको आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वर्किंग में स्टेशन है जहाँ पे पैसेंजर्स भी हैं, लोकल लोग भी हैं जो शाम को चहलकदमी करने आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, गिव देम थम्स अप और रेड बटन को प्रेस करें, जो मर्ज़ी हो, जो मर्ज़ी इस पर मारें, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।